The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। प्रेमी युगल ने SSP ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई और अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि प्रेमिका का भाई उन दोनों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। साथ ही प्रेमी युगल ने थाना टीपी नगर पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया है। बता दें 25 अप्रैल 2022 को प्रेमी युगल ने भागकर मंदिर में शादी की थी, जिसमें लड़की के घर वाले खुश नहीं थे और बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रेमी युगल ने SSP को एप्लीकेशन लिखते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। इस पर SSP ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए प्रेमी युगल से मिली जानकारी। तुम्हारा SSP ऑफिस पर आए हो, क्या मामला है? मेरा नाम अक्षय है। यहाँ पर आए हैं SSP ऑफिस, तो हमने शादी कर रखी है, तो हमने शादी करी थी 25 तारीख 4/2022 में। तो हम दोनों खुश है, दोनों साथ में रह रहे थे, तो कि इस लड़के के घर वाले खुश नहीं है, भी हमें मारने की धमकी दे रहे थे इसका भाई, और जो भी है। तो हमने यहाँ पर आके अपनी एप्लीकेशन लिखी और SSP साहब ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे जैसे भी है। कब की थी शादी? और हमने शादी करी थी 25 तारीख 4/2022 में। अब क्या कह रहा है भाई? अब वो कह रहे हैं कि मैं ना साथ में रहने नहीं दूंगा, गोली मार दूंगा, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। क्या पैसे की कोई डिमांड की गई आप लोगों से? हाँ, उन्होंने डिमांड करी थी हमसे। कितने पैसे? 50,000 के। थाना पुलिस से आपने शिकायत की, थाना पुलिस ने क्या किया? वहाँ पे हमने शिकायत की थी, एप्लीकेशन लिखी थी वहाँ पे भी हमने, तो उन्होंने कहा था कि SSP वहाँ पे चले जाना, कार्रवाई आपके रहेगी। अब कप्तान साहब ने क्या कहा है? हमने यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई, उन्होंने कहा है कि आपकी कार्रवाई होगी। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटिस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।